अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू माइट अलहम्दुलिल्लाह। आवर टुडेज सब्जेक्ट इज मैथ्स, चैप्टर नंबर 13, हैंडलिंग डेटा। कि डेटा किस तरह हैंडल करते हैं, आपके पास जो ज़्यादा चीज़ें हैं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके, इकट्ठा करके आप कैसे रखोगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो शॉल वी स्टार्ट? अ लिस्ट हेल्प अस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स। एक लिस्ट हमें अपने सारी इंफॉर्मेशन की, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे आपका होमवर्क है, ठीक है, आपका होमवर्क अगर आपको लर्न कर सॉरी आपको अगर लिख के रखना है तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा ना आपके कैलेंडर में। जैसे आप आपके कैलेंडर में स्कूल के होमवर्क लिखते हो, लिस्ट में इम्पॉर्टेंट नोट्स के, आज इस सब्जेक्ट में इतने वर्क दिया है, इतना होमवर्क दिया है। इसी तरह से हमें हेल्प मिलती है हैंडलिंग डेटा करने में। किस तरह करेंगे, आज वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। शोमूज मदर हैज़ मेड अ लिस्ट ऑफ क्लोथ्स शी गेव टू द धोबी फॉर आइनिंग। शोमू की मम्मा ने धोबी को कपड़े धोने के लिए दिए थे, कपड़े धोकर आयन करने के लिए। वैन द धोबी इज रिटर्न द क्लोथ्स शी टेक्स शोमूज हेल्प टू चेक द लिस्ट। शोमू ने लिस्ट लिख के रखी थी जब उसकी मम्मा ने उसे धोबी को कपड़े दिए थे, तो शोमू जब धोबी कपड़े वाले के वापस आया बेटा, तब शोमू लिस्ट चेक कर रहा है कि सब कुछ बराबर है। वाइल शोमू कॉल्स आउट द आइटम शी काउंट्स द क्लोथ्स। फिर शोमू वह सब क्लोथ्स काउंट करने लगी और देखने लगी कितनी कितनी चीज़ें उसने दी है। तो चलो हम भी देख लेते हैं। बच्चों आपके सामने ये फिगर है, कितनी, 8 figures है। 8 figures में शर्ट्स कितने हैं, कुर्ताज कितने हैं, शॉर्ट्स कितने हैं और स्कर्ट्स कितने हैं, ये हमें देखना है। सो शोमू ने लिस्ट दी थी धोबी को, तो हम देखते हैं वो लिस्ट में कितना था। कितने शर्ट्स हैं, 4 shirts। फिर है 2 pants, फर्स्ट फिगर में 2 pants है। फिर क्या है, 3 kurtas, देखिए 3 figures हैं उसमें है 3 kurtas। उसके बाद है स्कर्ट्स, कितने स्कर्ट्स हैं, 2 skirts। नाउ दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स। हम इस तरह अपनी लिस्ट बनाकर रख सकते हैं अपने क्लोथ्स को। देखो बच्चों, ये आपका रूम इस तरह से फैला हुआ होता है ना, पूरा मैस है यहाँ पर सब। दिस ऑल दिस मैस वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर, क्या आप स्कूल जल्दी जल्दी शुरू हो जाए तो आप आ जाओ, मुझे तो अकेला अकेले रिकॉर्डिंग करके आपको वीडियो भेजने में बहुत तकलीफ़ होती है, अकेला अकेला अच्छा ही नहीं लगता है, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। आप जल्दी जल्दी आओ तो मुझे आंसर देने वाला कोई होगा तो सही, ठीक है। अच्छा तो अब क्या देख रहे हैं हम, पूरा रूम ऐसा तैसा पड़ा हुआ है जैसे आपका रूम ऑब्वियसली होता ही है अभी तो घर पर हो तो। सो हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके किस तरह रखें ना, उस बारे में इस चैप्टर में है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा पढ़ने में, और मैं जो वीडियो आपको बना के भेजती हूँ वो आपको आपकी रेगुलर डेज में और लर्निंग बेसिस में आपको हेल्प करता है। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रूट सलाड। अब आएगी फ्रूट सलाड की एक लिस्ट। ओके, द चेक द लिस्ट विद द फ्रूट एंड द बॉल। बॉल के अंदर कितने फ्रूट हैं वो हमें लिस्ट में चेक करना है। इज़ एवरीथिंग देयर और इज़ समथिंग मिसिंग, देखेंगे कि इसमें सब कुछ है या कुछ मिस हुआ है। सो क्या है फ्रूट लिस्ट में, क्या लिखा है, 1 orange, 2 apples, 1 pear, strawberries, 3 grapes, bunches, 3 grapes के bunches है, 2 cherry और 1 banana, ठीक है। जजाकल्ला बच्चों, आई होप यू आर एंजॉइनिंग विथ मी।